विधानसभा की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पत्रकारों पर पाबंदी जिस तरीके से लगाई गई, पत्रकारों को अनुशासन का पाठ जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के डेलीगेशन से कहा कि स्पीकर के साथ पत्रकारों की कमेटी की बातचीत होगी और इस बारे में सीएम ने महेश जोशी को भी निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जो वही बात थी कि मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं करते हैं और जब ऐसा हुआ तो कुछ बोले क्यों नहीं, अब बोले हैं तो अब कितना इसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री से पत्रकारों का डेलीगेशन अभी मिला है और उससे पहले जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस बारे में मैंने खुद ने चलाकर स्पीकर से बात की है और आपसे स्पीकर मिलेंगे। बीएसपी की मीटिंग इसे कर रही है और तमाम जो पत्रकार विधानसभा कवर करते हैं और असेंबली में जो सत्र चलता है उस दौरान रहते हैं, वो तमाम पत्रकार इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी विपक्ष के बाहर वो बैठे हुए हैं और ये चीज मीटिंग इस वक्त चल रही है। इसके पक्ष में उसके बाद भी जोशी से मिलेंगे और जो तमाम जो नए कानून पत्रकारों को लेकर बनाए गए हैं उसको लेकर बातचीत की जाएगी, जिसको लेकर पत्रकार वर्ग के बीच में बड़ा रोष सामने आया है और आज पत्रकार जो प्रेस गैल भी है। लेकिन योगेश जी, पहले भी तो यहाँ पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने बातचीत की थी, तब ये कहा गया था कि नए रूल सबको फॉलो करने होंगे, तो क्या आप उम्मीद? देखिए, रूल्स मानने को हमेशा लोकतंत्र का कहता अच्छा तैयार रहता है, लेकिन रूल्स इस तरह के लगाए जाना जो आज तक कभी भी राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में नहीं देखने को मिला और बहुत ही कद्दावर जज राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के पद पर बैठे और जिनमें हम कहते थे हरिशंकर भाभरा तो बहुत ही ज्यादा सख्त अनुशासन के माने जाते थे, मदेना जी माने जाते थे, लेकिन इस तरह के कारण उनके समय से कभी लगे नहीं। तो ये बड़ा सवाल यात्रा हुआ और कभी भी इस तरह का रोष भी कभी यहाँ पर नहीं देखने को मिला। यही बात मुख्यमंत्री ने भी पत्रकारों को कहा है और इस बारे में अभी फिलहाल पत्रकार वर्ग से जुड़े हुए तमाम जो पत्रकार है वो इस वक्त स्पीकर विपक्ष के बाहर बैठे हुए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, नेशनल चैनल्स के रिपोर्टर्स भी है और तमाम पत्रकार वर्ग से जुड़े जो है लंबे समय से जो विधानसभा कवर कर रहे हैं वो सभी वरिष्ठ पत्रकार भी इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो भी जरा सुनिए। कि वे इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके पहले की तरह परंपराओं को जीवित रहने दें कि इस देश में केवल पत्रकारों पर एक ही बार पाबंदी लगी है जो 1975 में लोकतंत्र पे हमला हुआ था। आज उसको बीते शायद डेढ़ दिन ही हुआ है, 25 रात्रि को लगा और 27 को राजस्थान के अंदर इस प्रकार का पाबंदी लगाना यह उचित नहीं है। एक बार मैं पुनः सदन के अध्यक्ष से ये अपील करूंगा, मांग करूंगा कि इसे पुनर्विचार करके सदन में पहले की तरह इनको अपना कवरेज करने के लिए अनुमति दें, क्योंकि अंदर की सारी आवाज, सारी सत्यता जनता के सामने लाना इनका कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य पालन में कोई भी आदेश बाधक न बने यह आज की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कई बार जो सत्ताधारी दल होता है उसकी पोल न खुले, उसकी कमियां न बाहर आए, इसलिए इस प्रकार की गंध इस तरह के आदेशों में लगती है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी समझदार हैं और इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेंगे। लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसी परिपाटी है कि सेंट्रल हॉल में पत्रकार और सांसद आपस में बैठ के चर्चा करते हैं? निश्चित रूप से विधानसभा के सदस्यों से मिलना उनका अधिकार है और उनसे बातचीत करके मुद्दों की जानकारी लेना और मुद्दों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना यह उनका लोकतंत्र अधिकार है। जब संसद के
में दोनों सदनों में ये व्यवस्था है, देश भर के अन्य सदनों में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो राजस्थान विधानसभा को भी उसके अनुरूप इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहां पर आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को, जो कह रहे थे कि इमरजेंसी में ही पत्रकारों पर बैन लगा था, पत्रकारिता को डराया गया था और कुछ वही हालात यहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले की तरह ही पत्रकारों को पूरी छूट होनी चाहिए, काम करने दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले से ही संभव था कि हर एक मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, वही यहां पर इस मुद्दे पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री ने स्पीकर से बात की है, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है, अब फिर से बातचीत होगी स्पीकर से, पत्रकारों का एक डेलीगेशन जाकर मुलाकात करेगा, बातचीत होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है इस पर हमारी निगाहें हैं।